आदि पुरुष भारतीय सभ्यता के इतिहास में अब तक बताई गई सबसे बड़ी कहानी रामायण की एक बड़ी स्क्रीन श्रद्धांजलि है। पहले कभी नहीं देखे गए VFX और दृश्यों से बनी इस फिल्म का सबको बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का लेखन और निर्देशन ओम राउत ने किया है। प्रभास और कृति सैनन स्टार आदि पुरुष का ट्रेलर 9 मई को लॉन्च किया गया और फिल्म 16 जून को सिनेमा घरों में आएगी। ओम राउत के निर्देशन से बनी पहली फिल्म लोकमान्य एक युग पुरुष ने उन्हें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। इसी बीच तन्ना जी द अनसंग वॉरियर और हॉन्टेड 3D से भी उन्होंने खूब नाम कमाया। हिंदू पौराणिक कथाओं में आदि का अर्थ मूल या प्रथम और पुरुष का अर्थ आदमी या व्यक्ति है। इसीलिए आदि पुरुष का अर्थ मूल पुरुष या प्रथम पुरुष है। भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और माना जाता है कि वे पहले इंसान थे जिन्होंने धार्मिकता, सच्चाई और गुणों को अपनाया। आदि पुरुष जो हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी। इस फिल्म का बजट 500 करोड़ है जो इसे अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक बनाता है। अयोध्या में 2 अक्टूबर को फिल्म का पहला टीजर रिलीज करने वाली टीम आदि पुरुष को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मजाक उड़ाया। टीजर के VFX को खराब कहा गया और काफी ट्रोल किया गया। फिल्म के मेकर्स ने न केवल पहले टीजर को सही किया, सारे बग्स ठीक किए, बल्कि ऐसे दृश्य और भावनात्मक दृश्य बनाने में कामयाब रहे जिनका बड़े पर्दे पर बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा। ट्रेलर के ट्रोल की बात पर ओम राउत ने कहा कि मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई क्योंकि मेरे हिसाब से फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनी है, ना कि मोबाइल पर देखने के लिए। फिल्म में VFX भारी मात्रा में इस्तेमाल की गई है जो बड़े पर्दे पर कमाल की लगेगी। ट्रेलर भगवान हनुमान जी की आवाज के साथ शुरू होता है जिसे देवदत्त नाग ने निभाया है। एक गुफा में बैठकर और ध्यान करते हुए वे हमें भगवान राम से परिचित कराते हैं और कहानी को एक इंसान से भगवान के रूप में अपनी स्थिति प्राप्त करने तक की यात्रा के लिए समर्पित करते हैं। फिर हमारा परिचय सैफ अली खान से होता है जो रावण की भूमिका निभा रहे हैं। वे फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक में दिखे गए हैं जब वे एक पवित्र संत के रूप में सीता का अपहरण करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए फिल्म के डायलॉग्स ऐसे हैं जो आपको भावनात्मक रूप में जोड़ेंगे और बांधेंगे। भगवान राम जी की विभिन्न भावनाओं को चरित्र करने के लिए भाषा और शब्दों का चयन सावधानी से किया गया है। जब वो क्रोधित होते हैं, जब वे विनम्र होते हैं, जब वो प्यार करते हैं, हर डायलॉग उनके व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष दिखाता है। मनोज मुंतशिर कहानी में भावनाओं को जगाने और महसूस करने के लिए डायलॉग्स लिखते हैं। हाल ही में आदि पुरुष फिल्म की टीम प्रभास, कृति सैनन और ओम राउत ट्रेलर लॉन्च इवेंट के बाद तिरुपति मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। इसी बीच सभी एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे और डायरेक्टर ओम राउत ने कृति सैनन को अलविदा कहते हुए गुड बाय किस किया, जिस पर बवाल मच चुका है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात पर अपनी आपत्ति जताई। तो बस कुछ और दिन के इंतजार के बाद हमें देखने को मिलेगी 16 जून को प्रभास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म आदि पुरुष। अपने विचार और उत्सुकता इस फिल्म से लेकर हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।